Hi everyone, welcome to Peckins.com. Today I'm going to teach you present simple tense rules. इससे पहले मैंने आपको सारे टेंसेस के यूजेस बताए थे, अब मैं आपको इनके रूल्स बताऊंगा, इनके सीक्वेंस बताऊंगा. आपको याद होगा कि एक लेक्चर इसी वेबसाइट के ऊपर है जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. उसके अंदर मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है, वर्ब क्या चीज़ होती है और ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है. अब इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स यूज करके आपका सीक्वेंस क्या बनता है. अच्छा, अब अगर आपका सब्जेक्ट हो आई वी दे और यू, ये एज अ सब्जेक्ट है, तो आपका जो सीक्वेंस होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये मैं आपको जो बता रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं पॉजिटिव सेंटेंस का, ठीक है? पॉजिटिव वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर कोई ना ना हो, जिसके अंदर वो भी इस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है. आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, पॉजिटिव वो होते हैं जिसके अंदर किसी किस्म की ना ना हो, नेगेटिव है जिसके अंदर नो हो या नॉट हो, इंटरोगेटिव है जिसके अंदर कोई सवाल पूछा गया हो. इसका जो सीक्वेंस है वो ये है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे आई ईट फूड, आई सब्जेक्ट है, ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका सेकंड फॉर्म एट है और इसका थर्ड फॉर्म ईट का ईटन होगा, ऑब्जेक्ट फूड है. आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ. वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं. दे, वो खाना खाते हैं. यू, तुम खाना खाते हो. अब अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो ही शी या इट बनता है तो फिर आपका क्या होगा, उसके अंदर होगा सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका ही होगा तो आपका जो वर्ब है ईट है, अगर फर्स्ट फॉर्म वर्ब ईट है तो उसके बाद आपका लगेगा ही ईट्स फूड. इधर आपका कुछ कुछ भी नहीं लग रहा था, तो ये आपको याद करना पड़ेगा. ये फ्री बुक भी अवेलेबल है इस वेबसाइट के ऊपर, दिस फ्री बुक इज़ ऑल्सो अवेलेबल ओवर हियर, एंड इन नियर फ्यूचर माई स्पोकन इंग्लिश एंड आर्ट्स बुक इज़ ऑल्सो कमिंग. तो इसके अंदर देखें आप, आई वी दे यू के साथ कुछ नहीं लगा फर्स्ट फॉर्म वर्ब के बाद, मगर ही शी इट के बाद लगेगा. ही ईट्स फूड, वो लड़का जैसे ही खाता है, ही शी वो खाती है, इट कुत्ता है जैसे वो खाता है, तो उसके बाद एस या ई एस वो वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है. ईट के बाद एस लगेगा वॉचेज, जैसे आप टीवी देखते हैं तो उसके बाद ई एस लग जाएगा, वॉचेज, ही वॉचेज द टीवी. ओके, थैंक्स.